हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड के चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूं, जो कि है विपणन यानी कि मार्केटिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बाकी वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे विपणन के कार्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है, तो वो वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि चैप्टर जो है एक सीक्वेंस वाइज आपको क्लियर होता जाए। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम विपणन एवं विक्रय में अंतर क्या होता है। विक्रय मतलब होता है सेलिंग और विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। अगर एक मीनिंग के तौर पे बोलें तो मार्केटिंग आपका मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट अगर मैं बनाने जा रही हूं तो उससे संबंधित मैंने कोई जानकारी वगैरह या सूचनाओं को एकत्रित किया और उसके बाद प्रोडक्ट बनाया, उसमें भी मैंने मार्केटिंग का काम किया यानी विपणन का कार्य किया। देन प्रोडक्ट को बेचा, बेचने के बाद भी मैं उसका फीडबैक भी ले रही हूं, ये सब कुछ अगर मैं कर रही हूं तो क्या कहलाता है मार्केटिंग। वहीं अगर सेलिंग की बात करूं यानी विक्रय की बात करें तो मैं केवल अपने सामान को बेच रही हूं और उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं यानी सेलिंग कहते हैं। तो अगर हम कहें तो मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और सेलिंग केवल उसका एक पार्ट है। तो और भी कई पॉइंट हैं आपके विपणन और विक्रय में अंतर के, तो वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अर्थ पे। विपणन अनुसंधान से प्रारंभ होकर ग्राहकों की संतुष्टि तक चलता रहता है। यही जो मैंने आपको बताया, विपणन जो है वो अनुसंधान से प्रारंभ होकर, यानी कि प्रोडक्ट अभी बना भी नहीं है, उसका आइडिया जनरेट हुआ है, प्रोडक्ट मैं कोई बनाना चाहती हूं, उससे संबंधित जो सूचनाएं इकट्ठा कर रही हूं वहां से शुरू होता है और ग्राहक की संतुष्टि तक मार्केटिंग आपका चलता है। यानी मैं उसके बाद भी, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी, ग्राहक कितना संतुष्ट है मेरे प्रोडक्ट से, गारंटी वारंटी इन सबको ध्यान में रखकर ये सारे कार्य कर रही हूं। तो अभी मैं क्या कर रही हूं, विपणन कर रही हूं। वहीं बात करें विक्रय की, तो विक्रय वस्तुओं एवं सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने की क्रिया है। यहां पे मैं क्या करती हूं, वस्तु या फिर सेवाओं को यानी गुड्स या फिर सर्विस को केवल ग्राहक तक पहुंचा रही हूं, इसको मैं क्या कहूंगी, विक्रय कहूंगी। देन आते हैं क्षेत्र की बात करते हैं। विपणन का क्षेत्र विस्तृत है, विक्रय इसका अंग है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और सेलिंग केवल उसका पार्ट है, तो वही चीज यहां कही गई है कि विपणन का क्षेत्र विस्तृत है यानी विपणन एक बड़ा क्षेत्र है। और जो वहीं आपका अगर विक्रय देखें तो विक्रय का क्षेत्र संकुचित है, ये विपणन का एक अंग है। और विक्रय क्या हो गया, विक्रय केवल विपणन का एक पार्ट हो गया छोटा सा, जिसमें सेलिंग मतलब आप केवल सामान को बेचते हो। तो ये हो गया क्षेत्र की बात। इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, उद्देश्य की बात करें। इसका विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट कर लाभ कमाना है। अगर विपणन की बात करें तो वहां ग्राहक की संतुष्टि पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो मेरा सामान कंज्यूम करने यानी मेरे सामान को यूज करने के बाद संतुष्ट है यानी, इस पर मैं ध्यान देती हूं। वहीं इसका उद्देश्य अगर विक्रय की बात की जाए तो इसका उद्देश्य वस्तु का विक्रय कर लाभ कमाने की, यहां पे हमारी बात आ जाती है लाभ कमाने की। क्यों, मैं सेलिंग कर रही हूं। मैंने स्टार्टिंग में बताया अगर मैं अपने सामान को आपको बेच रही हूं और उसके बदले मुझे लाभ मिल रहा है तो ये चीज क्या है, विक्रय है। लेकिन मैं आपको सामान बना के दे रही हूं और फिर मैं देख भी नहीं हूं आप मेरे सामान से संतुष्ट है या नहीं, ये चीज क्या हो जाती है, ये चीज हो जाती है आपकी विपणन। देन आते हैं चौथे पॉइंट पे कार्य। विपणन का कार्य उपभोक्ता को आकर्षित करना, खोज करना एवं पैदा करना है। यानी अभी मेरा सामान बना नहीं है, उससे संबंधित मैं क्या करूंगी, मैं एक कस्टमर की नीड को समझूंगी, कस्टमर की खोज करूंगी, ग्राहक की, ठीक उसके अंदर वो अपने गुड्स की नीड को पैदा करूंगी, उसे आकर्षित करूंगी यानी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट से मैं उसके अंदर एक नीड को, एक जरूरत को बनाऊंगी, उसकी जगह बनाऊंगी, तब वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये चीज क्या आती है, विपणन कहलाती है। वहीं विक्रय का कार्य वस्तु एवं सेवाओं को बेचना होता है। केवल जो मेरे पास वस्तु बनी है उसको केवल मैं बेच दे रही हूं, तो ये चीज क्या है, विक्रय है। यहां पे मैं कोई आपके लिए नीड जनरेट नहीं कर रही हूं, ऐसा समझ लीजिए अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूं तो वो विपणन है, ठीक है। और विक्रय में क्या हो गया, केवल सेलिंग यानी सामान अपनी दुकान से आपको केवल दे रही हूं, तो वो चीज क्या हो गई, विक्रय हो गई। देन आते संबंध की बात करते। विपणन का संबंध ग्राहकों की संतुष्टि से है।
वही पॉइंट, अभी उद्देश्य भी हमारा यही था कि संतुष्ट करना है एक ग्राहक को, मतलब संतुष्टि हो उसको, उससे हमें लाभ कमाना है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा संबंध, अगर बात करें तो विपणन का संबंध ग्राहक की संतुष्टि से होता है, वहीं विक्रय का संबंध वस्तुओं के हस्तांतरण से होता है। ये अगर सामान जो है, ये सामान ग्राहक के पास पहुंच गया, इसका हस्तांतरण हो गया, अब इसका मालिक जो है वो पर्सन है जिसको मैंने सामान बेचा, तो ये चीज क्या कहलाती है, विक्रय कहलाती है। लेकिन विपणन क्या हो जाता है, विपणन हो जाता है ये सामान देने के बाद उसकी संतुष्टि का मैं ध्यान दे रही हूं कि वो मेरे प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई है या नहीं, ये चीज क्या हो जाती है, विपणन हो जाती है। देन बात करते हैं व्यक्ति, विपणन समस्याओं का समाधान विपणन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अगर विपणन से संबंधित कोई समस्याएं होती हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन देता है, मार्केटिंग मैनेजर देता है, जिसको हम विपणन प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, अगर वो सारे कार्य कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, इसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करने में मदद कर रहा है, उस कैसा बनेगा प्रोडक्ट का ढांचा वगैरह कैसा होगा, ये सब कुछ वो तय कर रहा है। सामान को बेचने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेट कर रहा है, ये सारी चीजें वो देख रहा है, तो ये कौन हो गया, विपणन प्रबंधक हो गया। यानी उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो विपणन प्रबंधक तक जाएंगी। वहीं अगर यहाँ पे बात करें हम व्यक्ति, यहाँ पे कौन सा व्यक्ति इंक्लूड रहता है, तो विक्रय समस्याओं का समाधान विक्रय प्रबंधक द्वारा विपणन प्रबंधक से परामर्श करके किया जाता है। यानी कि अगर विक्रय सामान को बेचने में, सेलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो कौन सा आदमी है जो इस दिक्कत को दूर करेगा, विक्रय प्रबंधक करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर, विपणन प्रबंधक के द्वारा, क्योंकि विक्रय एक छोटा सा पार्ट है आपका विपणन का, तो विपणन का जो मैनेजर है यानी विपणन प्रबंधक जो है, उसके परामर्श पर ही आपका विक्रय प्रबंधक किसी समस्या का समाधान निकालेगा। इसके बाद बात करते हैं महत्व, सातवां पॉइंट, विपणन उपभोक्ता की संतुष्टि का को महत्व देता है। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो विपणन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो वो है संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि को महत्व देता है कि जो कंज्यूमर है वो मेरा सामान प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से संतुष्ट हो जाए। वहीं विक्रय की अगर बात करें तो विक्रय उत्पादित वस्तु को बेचने का महत्व देता है। सेलिंग का मतलब मेन महत्व इम्पोर्टेंस क्या है, कि बस वो सामान जो मेरे पास है वो बिक जाए, ये मेरा सबसे मेन उद्देश्य रहता है, मेन महत्व मेरा रहता है। लेकिन अगर विपणन की बात करूं तो यहाँ पे केवल सामान को बेच देना मेरा महत्व नहीं, मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है, ग्राहक की संतुष्टि जरूरी है। देन आते हैं लाभ का दृष्टिकोण, विपणन का दृष्टिकोण उपभोक्ता को संतुष्ट कर लाभ कमाने से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो विपणन में हम किस चीज को प्रॉफिट कहते हैं, तो हम किस चीज को कहते हैं, उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रॉफिट मानते हैं अपना। वहीं विक्रय की बात की जाए तो विक्रय के दृष्टिकोण अधिक वस्तु बेचकर लाभ कमाने से है। वहीं अगर विक्रय है तो विक्रय का अर्थ हो जाता है कि आप सामान को ज्यादा ज्यादा बेच सको, वो आपका लाभ है, और यहाँ पे आप ज्यादा ज्यादा अपने उपभोक्ता को संतुष्ट कर सको तो वो आपका लाभ है। नौवे पॉइंट पे आते हैं व्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिव, विज्ञापन एवं विक्रय की क्रिया शामिल है। यानी विपणन में क्या क्या चीजें आपकी शामिल है, विज्ञापन किया जा रहा है, सामान को बेचा जा रहा है, ये चीजें शामिल हैं किसमें, विपणन में, यानी विपणन का पार्ट है ये दोनों चीजें। वहीं विक्रय विपणन का ही एक भाग है, यह व्यापक नहीं है, यानी इसका बहुत ज्यादा बड़ा रूप नहीं है विक्रय का, विक्रय एक छोटा सा भाग ही है, और किसका भाग है, वो विपणन का भाग है। देन आते हैं दसवें पॉइंट पे रणनीति यानी स्ट्रेटजी, विपणन में एकीकृत विपणन रणनीति तैयार की जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो विपणन में कई चीजें आती हैं, जैसे अभी हमने देखा विज्ञापन, विक्रय, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, किस तरीके से सामान का उत्पादन हो रहा है, उसकी डिजाइन क्या रहेगी, उसका क्या ग्रेडिंग रहेगी, क्या स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, ये सारे क्या हैं, इसके पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक कर दें हम तो ये विपणन बनाते हैं, विपणन की रणनीति ये है कि ये सारे पॉइंट्स एकत्रित कर लें हम तो विपणन का कार्य कर रहे हैं। वहीं विक्रय की बात की जाए तो विक्रय में विक्रय संवर्धन रणनीति पर अधिक जोर दिया जाता है। विक्रय में क्या चीज पे ध्यान दिया जाता है, विक्रय संवर्धन पे ध्यान दिया जाता है, यानी केवल हमें इस सामान को बेच देना है। ठीक है,
अब वो सामान सही है नहीं सही है, वो कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई है, उसे प्राइस पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, बस मैं किसी तरह उस टाइम जो सामान मेरे हाथ में है वो सामान मैं अपने ग्राहक को दे दूं और उसके बदले पैसा उससे ले लूं, ये चीज क्या कहलाती है? सेलिंग कहलाती है। ठीक, तो विपणन की अगर रणनीति हम देखें तो ज्यादा बड़ी है, कई पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन विक्रय की अगर बात करूं तो केवल सामान बेच देने तक वो सीमित होता है। तो ये 10 अंतर हैं आपके किसके बीच, विपणन और विक्रय पर। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको यूपी बोर्ड की बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन से संबंधित सारे चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने कई चैप्टर्स के वीडियो डाले भी हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक तुरंत पहुंचे मेरे वीडियो अपलोड करते ही। और चैनल को शेयर भी करिए अपने क्लासमेट और अपने फ्रेंड्स के बीच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।